वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ बातें। आइए आज का दिन आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। मैंने अभी अभी कल वाला ब्लॉग का एंड करके अभी अभी ये वाला ब्लॉग का शुरू कर रही हूँ, तो मुझे एडिट भी करना बाकी है और मुझे पोस्ट भी करना बाकी है, तो वो करते हैं। फिलहाल तो मैंने ब्लॉग का शुरू कर दिया है और आज हम बनाएंगे बनाना ब्लॉसम का सब्जी। वो कैसे काटा जाता है, कैसे बनाया जाता है, उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिए मेरे साथ। हमारा पक्षी देख के डर गई, देखो दो पक्षी आई है खिड़की पे। नीचे से फिश जा रहा था कतला, तो मैंने यहाँ से खरीद लिया, 1 किलो 700 है फिश। सोचा था कि आज कुछ नहीं बनाएंगे, लेकिन जब फिश लाया था वो बहुत ही बढ़िया फिश था, तो मैंने सोचा कि इसका दोई फिश बनाया जाए, तो दोई फिश बन रहा है अभी। आज का दोई फिश बना रही है सुंदरी। मंकी के साथ खेल रही है हमारा मंकी। कैमन पड़े पड़े जाए मंकी इंक पड़े जाए बोलिए बोलिए। गुड इवनिंग गाइस, अमारा दो दिन से बोल रही थी उसे बूम गाड़ी चढ़ना है। जैसे उसके पापा आते हैं और वो बूम बूम करते रहती है, तो सुप्रियो भी दो दिन से कह रहे थे कि वैनिला कप और बहुत सारे कप है देख के आ जाओ। कॉर्नेटो नहीं है? मुझे कॉर्नेटो चाहिए ना। हाँ कॉर्नेटो चाहिए। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि अमारा को मतलब कार में एक राइड लेना था, वो ना बार बार वाजिद के कार बाहर रहता है ना, तो हमारा कार दिखाई नहीं देता, नीचे रहता है, तो वाजिद का कार जो है वो दिखाई देता है, तो मतलब आयान के पापा का। तो अमायरा देखती है और बार बार हाथ उस तरफ करती है और कहती है बूम बूम। तो फिर उसके पापा को लगा कि अमायरा शायद कार में घूमना चाहती है, इसीलिए कल भी आए थे सुप्रियो जब ऑफिस से, तब कहा था कि बेंजर उसको लेकर अमायरा को लेकर नीचे आ जाना, लेकिन कल अमायरा लेट उठी थी और मेरे बहुत सारे कुकिंग भी करना बाकी था, इसलिए मैं नहीं आ पाई। तो फिर आज सुप्रियो ने ऑफिस से जब निकले तभी मुझे कॉल कर दिया था कि अमायरा को लेकर हम थोड़ी देर ड्राइव पे जाएंगे, तुम अमायरा को रेडी करके आ जाना। तो फिर अमायरा देखो खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करी है। अमायरा दिस इज क्लास, ये बहुत ही मतलब क्या करे, बहुत नॉटी हो गई है। तो फिर आज मैं अमायरा को तैयार करके नीचे लाई थी और मैंने लॉन्ग ड्राइव, मैंने मतलब थोड़ी देर ड्राइव किया, वो मैं आप लोगों से शेयर नहीं किया क्योंकि हमेशा कैमरा उठाना अच्छा नहीं लगता। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने आप में एंजॉय करना अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग रुके हैं वही वाला शॉप बाशोना पे, यहाँ से सुप्रियो कॉर्नेटो ले रहा है, तो ये लेते ही हम लोग घर चलेंगे वापस। अब अमायरा क्या कर रही हो? अमायरा को ड्राइव करना है, देखो अमायरा देखिए अमायरा को, ये ओ माय गॉड, अमायरा ये नया नया सीखा है। हाँ क्या बोलते हैं? समोसॉल्ट। ओ माय गॉड, आर्मी में इसको फ्रंट रोल बोलता है और अमायरा को किसी ने सिखाया नहीं, ये खुद से सीख गई। अमायरा और एक बार हो जाए, और एक बार हो जाए, और एक बार हो जाए अमायरा। आज हम बनाने वाले हैं बनाना फ्लावर और बनाना ब्लॉसम, कुछ भी कह सकते हो। इसको ऐसे छीलते हैं, अंदर का जो ये हिस्सा है इसको पहले ऐसे करके छील लीजिए,
ये काला वाला हिस्सा देखो भालो करे, ये काला वाला हिस्सा और ये वाला व्हाइट। इसको काटने के बाद छोटा छोटा टुकड़ा करने के बाद ऐसा हुआ है। अब इसको अच्छे तरह से इसको धो के अभी इसको छानने के लिए दिया है, उसके बाद पानी से इसको उबाला जाएगा। तो जैसा कि मैंने दिखाया था कि जो बनाना ब्लॉसम है उसको बॉईल किया गया है हल्दी पाउडर से, और बॉईल करने के बाद ऐसे हुआ है जिसका टेक्सचर। और एक आलू मैं यूज़ करूँगी इसे बनाने के लिए, और थोड़ा सा नारियल यूज़ करूँगी, और ये बड़ी है दाल की बड़ी, तो इसका भी इस्तेमाल करूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं देते हैं, लेकिन मैं बड़ी थोड़ा सा इस्तेमाल करती हूँ, इससे स्वाद अच्छा होता है। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, अभी तेल और गरम मसाला डालूँगी। तो अभी कढ़ाई में मैं सरसों का तेल दे रही हूँ। पहले सरसों का तेल थोड़ा सा गर्म होने के बाद इसमें मैंने ये जो बड़ी है इसको निकाल के रखा है, बड़ी को मैं थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। अभी गर्म हो गया है, मैंने बड़ी इसमें छोड़ दिया, थोड़ा सा बड़ी फ्राई हो गया है, तो इसको उठा लीजिए। ये जो नारियल काट के रखा था इसको फ्राई कर लेते हैं। नारियल को मैंने फ्राई कर लिया है, अभी जो है तेल के ऊपर थोड़ा सा मैं हल्दी पाउडर दूंगी, और उसके बाद यहाँ पे मैंने गरम मसाला लिया है, एक इलायची और एक छोटा सा दालचीनी और एक सूखा लाल मिर्च और जीरा, इसका मैं तड़का लगाऊंगी। थोड़ा सा हम गरम मसाले को फ्राई करेंगे, उसके बाद आलू दे देंगे। अब आलू को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जब तक ये आलू फ्राई हो रहा है तब तक मैं मसाले को रेडी कर लेती हूँ। तो मसाले रेडी करने के लिए मुझे अदरक का पेस्ट चाहिए, तो मैंने ले लिया अदरक के पेस्ट। अब मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर दूंगी, जीरा पाउडर में इतना सा, इतने से काम नहीं चलेगा, और थोड़ा सा देना पड़ेगा बस। और धनिया पाउडर में इतना सा दूंगी, और लाल मिर्च का पाउडर मैं इतना सा दूंगी। अब इस मसाले को पानी से मिला के हम एक थिक पेस्ट तैयार कर लेंगे। आलू थोड़ा सा फ्राई हो चुका है, अब मैं ये जो मसाले है इसको मैं डाल दूंगी, और मसाले को धीरे धीरे हम भूनेंगे आलू के साथ। मसाले को अच्छे तरह से आलू के साथ भूनना पड़ेगा, उसके बाद मैं ये बनाना ब्लॉसम दूंगी। अभी एक काम करते हैं, ये जो नारियल है वो भी अंदर दे देते हैं। दो हरा मिर्च मैंने दे दिया, अभी जो बनाना ब्लॉसम है वो दे रही हूँ। अच्छा है तो इसको फ्राई भी कर सकते हो पहले से। थोड़ा सा बचा के रख दिया मामोनी, इसका चॉप बनेगा। अभी आइए इसको हम अच्छे तरह से भूनते हैं।
तो मैं खाना बना रही हूँ और आज आया है ये पार्सल। इसमें है अमायरा का स्कूटर। तो अभी बन रहा है बनाना ब्लॉसम का सब्जी, जो कि यहाँ पे मैंने ढक्कन चढ़ा के रखी है। आप लोगों के साथ बात करने का वक्त नहीं मिला, मैंने आज अपना फेस कम दिखाया खाना बनाते वक्त, क्योंकि मुझे एक ही हाथ में कैमरा पकड़ के शूट करना पड़ रहा था। मैंने यह मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है। अब जो है बनाना ब्लॉसम थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो गया है, मैंने चेक कर लिया है। अभी मैंने यहाँ पे मुझे ये टमाटर ऐड करना है। एक छोटा सा टमाटर है जो मैंने ऐड किया है। तो आप टमाटर को अच्छे तरह से चला लीजिए इसके साथ। अभी हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे सेली की गरम मसाला यूज़ कर रही हूँ। घर में बनाई हुई गरम मसाला ख़त्म हो गया है, तो सेली का भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है। लगभग हो गया है और अभी इतना सा घी मैं साइड में से छोड़ रही हूँ। बनाना ब्लॉसम में घी का जो सेंट है वो अच्छा लगता है। लगभग होने को आए हैं, बस अभी इसको चला के इसका जो पानी है ये सुखाना पड़ेगा। इस हालत में ये जो बड़ी है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब चाहे तो थोड़ा सा बचा के रख सकते हो, ऊपर से क्रश करके भी दे सकते हो, तो अच्छा लगेगा खाने में। तो दोस्तों, मेरा ये जो बनाना ब्लॉसम का सब्जी है वो बिल्कुल प्रिपेयर हो गया है। आप लोग देख सकते हो इसको ना, मैं अभी थोड़ा थोड़ा पानी है, मैं बिल्कुल सूखा नहीं करूँगी, क्योंकि इसको मुझे दोपहर को खाना है कल। तो जैसे आप लोगों को पता है मुझे वक्त नहीं मिलता सुबह करने का, तो इसीलिए मैं अभी बना के रखी। तो बिल्कुल टाइट कर दूँगी तो सुबह गर्म करने में प्रॉब्लम होगा, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा टाइट करके इसको खाना ज़रूर। तो फ्रेंड्स, मेरा खाना बन चुका है और अभी मैं वेट कर रही हूँ अमायरा का खाना बनाने के लिए। अभी मुझे अमायरा का खाना बनाना बाकी है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मेरी ये रेसिपी, मेरी ये वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलना, और कमेंट तो बनता ही है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए आप लोगों को ये रेसिपी कैसा लगा। और रेसिपी घर में जरूर ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन पे कि आप लोगों को कैसा लगा है ये रेसिपी। तो जिन्होंने मुझे भेज रेसिपी का रिकमेंड किया था उनसे मैं खास करके बोल रही हूँ, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रही है, तो आप भी जरूर कमेंट करके बताना और आप प्लीज घर में ट्राई जरूर करना। और मैं कभी भी कुछ भी बनाती हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन मेरे घर में ज्यादा से ज्यादा नॉन वेज बनता है तो नॉन वेज की रेसिपी ज्यादा शेयर करती हूँ। एनीवे, मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ और आगे की ब्लॉग की शुरुआत करूंगी। तो चलिए, मेरी इस ब्लॉग को आप लोग लाइक कीजिए, आप लोगों की सपोर्ट बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक अगर आपकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे क्लीन बोल करते रहिए। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ब्यूटीफुल। चलिए, बाय बाय।